अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या ये बेहोश किया? ससुर जी मारिए मारिए ना, हम तो कहते हैं मारी डालिए, ऐसे भी हमरा तो मरना ही लिख। होएगा भाई राम रची राखा। बोले नाथ सब के साथ। वो भी सोते होंगे, मारना है तो सुहागन को मारे, तभी तो कुंडली दो। अरे बहुत डरामा हो गया, अब चुप कर, चुप। अरे सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अब चुप हो जाओ। भाई हम आप सबसे माफी चाहते हैं, यहां तो मजाक चल रहा है ना, कृपया आप लोग सब जाइए यहां से, सब जाइए प्लीज। हम तो सोचे थे बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन क्या पता था ये तो ऐसी निकलेगी। नाक कटा दी। भारद्वाज खानदान की बहू ऐसी लानत है। सर मिस्टर अभय, मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुमसे आजकल इतनी गलतियां क्यों हो रही है। तुम्हारे पास अपनी ड्यूटी पर ध्यान देने के लिए टाइम ही नहीं है, और वैसे भी जिसके घर में इतना नाटक चल रहा हो वो ड्यूटी पर ध्यान कैसे देगा। अपने घर के मसले को इमीडिएट सॉल्व करो, वरना तुमको इस केस से हटा दूंगा मैं। ये तो काम से गई अम्मा। कच्चा क्या हो तुम, बेशर्मी बेहयाई की सारी हदें पार कर दिए तुमने। पहले भी ऐसा नाटक किया है शराब पीकर। भोलेनाथ सब के साथ, हमें तो पता ही नहीं हमने का पिया, का हुआ, और आप हमसे क्यों नाराज हैं? हम कुछ भी करें, कुछ भी, आप हमसे गुस्सा काहे हो जाते? इतने भी बुरे नहीं हैं हम, पसंद करते हैं आपको। आप
आप हमें दुत्कारते हो। घर में वो कह रहा है, वो दिखाई के दिन घर की बहू नशे में धुत हो जाती है और तुम्हें पता ही नहीं चलता। नशे में चूर होकर अभय के सामने वो कुंडली दोष वाली बात बोलने वाली थी। पता नहीं जी, उसने ना चुपके से पी ली होगी। हमें जब पता चला तो हम गए थे उसे रोकने के लिए, पर तब तक वो बेकाबू हो रही थी। सबके सामने नाक कटा दी ना उसने। जी मैं तो कहती हूँ कि इससे पहले कोई और बड़ा कांड करे ना, उसे गांव भेज देते हैं। हाँ, गांव ही भेज देते। ओए, चाल चलना सीख गए, इसका मतलब नहीं कि हमें चलना सिखाओगी। इतना याद रखना, स्कूल में तुम पढ़ती हो ना, कि प्रिंसिपल रह चुके हैं हम। गांव भेज दे काहे, हाँ काहे, ताकि उसके बाद अभय जाके वो एमए पास मेघा की गोद में जाकर बैठ जाए। हाँ जुबली की अम्मा, ये तो हम होने नहीं देंगे। इतना याद रखो, छोटे मोटे हादसे से अगर नाक कट भी जाती है ना, तो फिर जुड़ जाती है। लेकिन सुनो, अगर हमारी साख पर रत्ती भर भी आंच आई ना, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सुन लो, अगर तुम्हारी बिंदिया की वजह से हमारी साख को थोड़ी सी भी ठेस लगी ना, तो तुम्हें इन्हीं दीवारों में चुनवा देंगे हम। का समझी? बात कांड बांध लो, जाओ प्यारी बहुरिया का नशा उतारो, गांव भेज देंगे। वाह, हम जानत है कि हम आपके लायक नहीं, पर हम तो भगत है ना। भगत की का भी सर, क्यों भगवान की बराबरी का बन पाए। हमें ज्यादा कछु नहीं चाहिए, आपकी आंखों में हमारे लिए थोड़ा सा प्यार। नहीं कर सकता मैं तुम्हें प्यार, पड़े रहना इस घर के किसी भी कोने में सारी उम्र। सारी उम्र? कौन सी उम्र की बात कर रहे हैं आप? उम्र ही तो बाकी नहीं बची, मौत मौत दिखाई दे रही है सामने। मौत दिखाई दे रही है? तुम क्या कहना चाह रही हो? बाहर भी तुमने ऐसे ही कुछ बोला। एक होवत है साहब की कुन, जो सिर्फ डरावत, और एक होवत है पतरी वाली कुंडली। किस कुंडली की बात कर रही हो बिंदिया? हॉल में भी तुमने कुंडली के बारे में कुछ बोला था। भोलेनाथ सब के साथ। अम्मा, कौन सा मुहावरा था? नान और मान तेल होगा, नहीं नहीं वो उधर कुआं इधर खाई, नहीं नहीं हटती हारों की जय, मुद्दे पर आओगी या मुहावरे ही गिनाओगी। अम्मा हम तो ये कह रहे हैं कि
तुम तो अजब दुविधा में फंस गई हो। देखो ना, पति की साख बचाएं या बेटे को उसका प्यार दिलवाएं, और इन सब के बीच में वो बिंदिया सिर पर चढ़ के नाच रही है। आज तो वो कुंडली वाली बात तो अभय के सामने बोलने ही वाली थी। तुम्हारे सच्चे और लाडले बेटे, इंसाफ के पुजारी बेटे अभय को सच्चाई पता लग जाती तो क्या होता सोचो। बिंदिया को तो इस घर को छोड़कर जाना ही होगा, वो भी अपनी मर्जी से। हत्यारों की जय। बोलो बिंदिया, क्या बोलना चाह रही हो? क्यों मौत की बात कर रही हो? किस कुंडली की बात कर रही हो? होश में आओ बिंदिया, बोलो। होश नहीं दोस्त, कुंडली दोस्त, दोस्त में जोश, उड़ गए होश, होश उड़ा के जोर लगा के मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लुट जाएंगे। साफ साफ बोलो बिंदिया, क्या बोलना चाह रही हो तुम? क्यों मौत की बात कर रही हो? किसकी कुंडली, कौन सी कुंडली, बोलो बोलो बिंदिया, क्या बोलना चाह रही हो? कुंडली आ गए हैं ना इसका नशा उतारने के लिए। एक बाल्टी काफी ना है ना, तो दूसरी भी है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई शराब पीने की? हमने शराब पी है? अरे हमारे घर की बहू कभी भी शराब को हाथ ना लगाते हैं, और तुमने पी तो पी, उसके बाद इतना घटिया ड्रामा किया। अरे तुम्हारे कारण हमको डांट पड़ी जुबली के पापा से। कह रहे थे सब हमारा ही दोष है, हमने अपनी बहू को संस्कार ना सिखाए। अरे क्या बोले लल्ला? शांत हो जाओ माँ। माँ अब इस बात को इतना दिल पर मत लो प्लीज, आप जाकर आराम करो। ना लल्ला। नहीं माँ, प्लीज शांत हो जाओ, आइए चलिए चल के आराम करिए। हत्यारों की जय। भोलेनाथ सबके साथ, हम सही कह रहे, हमने शराब नहीं पी। चुप, एकदम चुप रहो। जब से आई हो गलतियां पर गलतियां कर रही हो। शादी से पहले सीएम साहब की रैली खराब की, शादी के बाद वो पिस्तल वाला सबूत खराब किया, फिर लोहे के चने खाए, और अब ये नाटक। मुझे बस इतना बता दो कि तुम बाज कब आओगी। तुम्हें देख के बस यही लगता है कि कुछ भी ऐसा हो जाए कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी ही नहीं पड़े। रुकिए, समझिए आपकी चाह पूरी हो गई। अगर यही चाहते हैं आप तो ठीक है, जब तक हम यहां हैं आपको हमारी शक्ल नहीं दिखेगी। ढक लेंगे हम अपनी सूरत को। दुनिया के लिए भले ही हमारी मुंह दिखाई हो गई हो, लेकिन आज के बाद से ये बिंदिया आपके सामने घूंघट कभी नहीं उठाएगी।
तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन हरकतों से मुझे फर्क पड़ता है? क्या साबित करना चाहती हो ये सब करके? हम कछु नहीं साबित करना चाहते, हम तो बस इतना चाहते हैं कि जब तक हम यहाँ हैं आपको खुश रखें। जब तक है इसका क्या मतलब है? ये क्या बातें लगा रखी है? पहली बार भी तुम बोलते हुए रुक गई। हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे हम? यही मौत, कुंडली वगैरह। तो एक बात और कान खोल करके सुन ले बिंदिया, अब है बाबू को कुंडली के बारे में कछु बताना है। अगर तूने उन्हें कछु बताने की कोशिश की तो तोरा ये बलिदान व्यर्थ हो जावेगा। और ये लोग गोंडा आ करके हमारे परिवार को सूली पर चढ़ा देंगे। वो हम सिनेमा देखे होंगे, उसी की कहानी बता रहे होंगे। हमने आपके लिए आलू बूंदे की तैयारी की थी, ताजा ताजा तल के लेके आते हैं। बेटी, शादी की सारी फुटेज है ना? ओके गुड, मैं डाउनलोड करता हूँ। या अब तीनों ऐसे गए खड़े जैसे समूह गान हो रहा हो। राम भली करे, ठिठोली करेगी हमारे साथ। ई कौन है? हमरी सासू माँ। सासू माँ? तुमका याद आ गया? सासू माँ है। तुम्हारी वजह से तुम्हारी सासू माँ को कितनी डांट पड़ी है, कितनी बातें सुननी पड़ी है इनको। शराब पी के हंगामा कर रही थी। हमी में हमरी कोई गलती ना है, हमको तो पता ही नहीं चला कैसे पी गए, कब पी गए। वाह वाह वाह, हमको नहीं पता। सबके सामने, मेहमानों के सामने हम लोग की नाक कटवा दी, हमारी अम्मा को डांट पड़वा दिया पापा से। सासू माँ, हर्ष के बारे में सब कछु नहीं करेंगे जिससे आपको दुख। कैसे हो गया, हमको माफ कर दो ना। माफी तो ना मिलेगी, सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। सारे बर्तन ना किस किस कर साफ करना अकेले? ना ना, नौकर का असिस्टेंट भेज रहे हैं ना। बात करती हूँ। अरे सजा तुम्हें मिली है, पूरी भी तुम ही करोगी ना। हाँ लगो काम पे, चलो जी लगो। पानी? हाँ पानी ना आ रहा है। आंगन में से पानी की बाल्टी भर कर लाओ और बर्तन साफ करो। चलो दिखाई तो अब हो रही है बिंदिया रानी।
चलो कर रहा हूँ। बर्तन तो हो गए, पवे जी के लिए आलू बूंदे बना देते हैं। गोली इधर से चली है और इस डायरेक्शन में, यहां पे देखते हैं कितने लोग हैं। ये तो शादी का वीडियो देख रहे हैं, हम भी देखना चाहते हैं, पर कैसे? ये तो हमको अंदर आने भी ना देंगे। हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है ये। जितनी बार देखूं मुझे सिर्फ और सिर्फ यही याद आता है कि कैसे इस बिंदिया ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।